वहीं छत्तीसगढ़ में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम दो दिनों बाद नरम पड़ सकता है। 31 मार्च से कई जिलों में वज्रपात की संभावना है। 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के मध्य भाग में 40 डिग्री पारा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार अभी तक तो गर्मी ही पड़ रही है, लेकिन जानकारी यह है कि 2 दिनों बाद मौसम नरम पड़ सकता है। 31 मार्च से कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना है और 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के मध्य भाग में 40 डिग्री पारा भी जा सकता है। तो आप समझिए कि मार्च में ही आपको जून वाली गर्मी सताने वाली है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है और पूरे देश के कई हिस्सों में यही हाल है कि अभी से ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। भोपाल का रुख करना मैं चाहूंगी पहले प्रमोद, क्योंकि आज ये खबर ये है कि 2 से 6 घंटे के लिए राजधानी भोपाल में बिजली काटी जाएगी, वो भी इतनी भीषण गर्मी के बीच। देखिए राजधानी भोपाल में तो सगल सा बन गया है मन्नू के मेंटेनेंस के नाम पर हर दिन दर्जनों जो कॉलोनियां वहां पर बिजली गुल रहती है। अब ऐसे में जबकि गर्मी का मौसम आने वाला है या आ रहा है, गर्मी देखिए मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ने लगी और ऐसे में यदि देखिए बिजली की उपयोगिता बढ़ जाती है और ऐसे में यदि बिजली कटौती होगी तो स्वाभाविक है, लाजमी है कि लोगों की मुश्किलात बढ़ेगी। राजधानी भोपाल के दर्जन भर इलाकों के लाखों रहवासियों की मुश्किलात बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिजली कटौती के चलते 2 से 6 घंटे बिजली गुल रहेगी तो लोगों की मुश्किलात बढ़ने वाली है। अब राजधानी भोपाल का एक बार आपको वेदर दिखा देता हूँ, मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। तो राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो थोड़ा सा खुशनुमा हो गया है, क्योंकि कल और आज बदरा आपको राजधानी भोपाल में डेरा डाले नजर आएंगे। सुबह से जो सूर्य देवता हैं वो बादलों के बीच में ओझल हो गए और इससे जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें गिरावट मध्य प्रदेश में नजर आएगी। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आगामी 2 दिन बूंदाबांदी के आसार यानी बारिश, हल्की बारिश के अलर्ट जारी किया है। आज शिवपुरी, नर्मदापुरम जैसे जिलों में 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जबकि कल भी बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश में तापमान गिरेगा, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं वो मध्य प्रदेश में दस्तक देंगी, चाहे हैजा हो या फिर सर्दी जुकाम हो या फिर फीवर हो, इनके मामले बड़े हुए अस्पताल में आने लगेंगे। इसलिए एहतियात बरतें, क्योंकि यदि गर्मी के मौसम में बारिश होगी तो लिहाजा लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती है। राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में देखिए बदरों ने डेरा डाल दिया है, मौसम पल पल अपने रंग बदलता नजर आ रहा है मनु। अब बिल्कुल, और इसी बीच जब बिजली कटौती होगी 2 से 6 घंटे के लिए तो लोगों को परेशानी भी होगी। रायपुर चलते अपने सहयोगी राजेश निषाद के पास। राजेश आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या है, अभी क्या हालात है? देखिए अभी फिलहाल राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन ये जो बादल हैं वो कुछ समय बाद जो है हट जाएंगे और तेज धूप और गर्मी का एहसास कहीं ना कहीं अब लोगों को होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रदेश में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान वो दर्ज की गई है। अब बताया ये जा रहा है कि आगामी 1-2 दिनों बाद तापमान में 3 डिग्री और वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि देखिए इसी बीच मौसम में भी बदलाव देखा जा सकता है, चूंकि कर्नाटका और पूर्व विदर्भ की ओर एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और साथ साथ वज्रपात और गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। देखिए राजधानी के हम तापमान की यदि हम बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है और आशंका ये जताई जा रही है, संभावना ये बनी हुई है कि आज 40 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो पहुंच जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में भी अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिन में बाहर निकलने से, घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं देर रात या शाम ढलते ही कहीं ना कहीं जो तपिश है उसका कहीं ना कहीं लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी
ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और प्रमोद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वेदर अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी एक तरह से ये अलर्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि धीरे धीरे तपिश बढ़ने लगी है।